हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समरीन और मैं हूं दहूरा। तो आज आप इस वीडियो देखने वाले हैं, इफ एवरी पार्लर वाली बी ऑनेस्ट। आप लोग जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए देखते हैं। अरे शीतल, 100 चाय की चुस्की लगा ली हमने, लेकिन अभी तक कोई मुर्गी फंसी नहीं हमारे जाल में। अरे दीदी, मुर्गी आएगी कहाँ से? हम तो खुद टाइम से पहले आकर बैठ गए। 10 बजे खुलता है हमारा पार्लर और अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं। हाय शीतल, मैं तो भूल ही गई थी। अब इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? चल बैठ के कुछ गप्पे शप्पे लगाते हैं। हाँ दीदी, चलो गप्पे मारते हैं। चिंकी यार, देख कितने पिंपल हो गए मुझे, मेरा तो फेस ही खराब हो गया। लेकिन इस पार्लर में जाकर ना सब कुछ सही करा दूंगी और चमकती हुई स्किन करवा लूंगी अपनी। हाँ मिंकी, मैं भी अपने खूबसूरत चेहरे पे चार चांद और लगवा दूंगी। चल चल, आ जाओ आ जाओ, सुंदर बनते। मुर्गी आ गई। चलिए चलिए, आइए आप बैठिए। वो दीदी देखो ना, मेरे फेस पे कितने कील और मुहासे हो गए। असल में मेरी शादी होने वाली है ना, तो थोड़ा केयरिंग शेयरिंग तो स्टार्ट करना होगा ना। इन्होंने बोला है कि मेरी वाइफ बिल्कुल प्रिंसेस दिखनी चाहिए शादी वाले दिन। हाँ दीदी, मेरी बेस्टी बेस्ट दिखनी चाहिए। प्रिंसेस और आप। बहुत अच्छा मजाक है। आपके मुंह पे तो कील भी दिख रहे हैं, मुहासे भी दिख रहे हैं, और दिखेंगे क्यों नहीं दिखेंगे? बाहर का जितना खाती ठूस ठूस के, हालत तो होगी ऐसी, बिल्कुल गेंडी हो गई है। गेंडी दीदी का मतलब है आप गेंदा फूल लगती हैं। गेंदा फूल नहीं, गेंडी लग रही है, गेंडी। अरे ये क्या अनाप शनाप बक रही है आप? तमीज नहीं है क्या आपको बात करने की? सच में हद कर दी है आपने। वो क्या है ना, सच बोलती हूँ तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। चलिए चलिए ठीक है, आपकी कील मुहासे सही करती हूँ मैं भी। ये दीदी पागल हो गई है क्या? पता नहीं सबके मुंह पे क्या बोले जा रही हैं। राशितल जा, वो 100 रुपए वाला मास्क लेकर आ जरा हमारा। सही किया तूने, ये लेकर आ गई। ये देखो मैडम, ये है फेस मास्क। इससे आपके चेहरे के सारे कील मुहासे, ड्राइनेस, डलनेस सब बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगे। हम तो बस लोगों को इससे उल्लू बनाते हैं और लोग बन भी जाते हैं आप जैसे। कितनी भी लीपा पोती कर लो आप, लेकिन आप तो दिखोगी बंदरिया, क्योंकि आप बंदरिया हो। ऊपर वाले हमारी लाज रख ले, पता नहीं दीदी को क्या हो गए। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता आपके मंगेतर ने आपने देखा क्या है जो आपसे शादी करने को राजी हो गए। बस चुप, हद हो गया। बदतमीजी की भी हद होती है जो कि आपने क्रॉस कर दी। कब से देख रही हूँ मेरे बारे में सिर्फ उल्टा पुल्टा बोल जा रही हैं आप, और मैं कुछ बोल नहीं रही तो आपको क्या लगता है मैं चुप रहूंगी? पूरे मोहल्ले में कंप्लेंट कर दूंगी, यहाँ एक कस्टमर नहीं पहुँचेगा। अरे आप तो जब जब हमारे सैलून में आए हमारे कस्टमर उठकर भाग गए कि ये भी यहाँ आती है। बहुत हो रहा है आपका। कल चिंकी कभी नहीं आएंगे हम यहाँ पर, मेरी बेस्टी की बेइज्जती कर दी ना। हाँ चल। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। अरे दीदी ये तो भाग गई। अगर ऐसे ही आप सच बोलती रहोगी ना तो हमारा काम नहीं चलेगा, हम तो डूब ही जाएंगे। चिंता मत कर तू छुटकी, अभी हम जिंदा है और तेरी दीदी को ना बहुत सारे आइडियाज पता है कस्टमर लाने के। चल अभी सिखाती हूँ तुझे कैसे लाते हैं। वेलकम मैम, क्या करवाना है आपको? मुझे ना फुल बॉडी मसाज चाहिए, आज मेरा रिलैक्स कर दे। श्योर मैम, हो जाएगा। आइए आइए मैम, इधर आइए। लाइए मैम ये 1 रुपए वाला बैग दीजिए, मैं रख देती हूँ। अरे एक्सक्यूज मी, क्या हो गया मैम? शांत शांत, आप ये ऐसे कैसे बोल रही हैं? ये 1 रुपए वाला ही है मैम। चलिए लेट जाइए, करती हूँ मसाज। वैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लग रही हैं आप तो। हाँ वो तो मैं हूँ, बहुत पॉपुलर हूँ मैं। रुकिए रुकिए, एक स्टोरी बना लेती हूँ। मैम इतना टाइम नहीं है हमारे पास, चलिए आइए। अरे चलिए, अरे ऐसे कैसे कर रही हैं आप? अरे एक सेकंड रुक जाइए, मुझे स्नैप बनाने की। आखिर इन्फ्लुएंसर जो हूँ। इन्फ्लुएंसर है ना, आइए आज फिर आपको देती हूँ मैं रियल मसाज। चलिए अरे चुप हो जाइए मैम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रियल मसाज नहीं सह सकती तो फिर कैसी इन्फ्लुएंसर हुई आप? मैम चुप, कहाँ गई? अरे अरे आप छोड़ो। अरे कैसी डर रही हो? अरे आप, आपसे लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। अरे छोड़ो मुझे, कहाँ आगे फंस गई मैं? बहुत बड़ी सोशल मीडिया स्टार समझती थी ना खुद को। ये लो अब बनाओ स्नैप। मिल गया चैन, अब हुआ ना छपरी के लिए छपरी रील मसाज। चलिए मैम
हो गया। ये क्या कर दिया मेरी हालत ताले पाले वाली। मैं मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, मेरे हाथ पैर छोड़ दिए इसने। अरे वो ताले पाले वाली बाहर तक तो छोड़ देती। खुद जाओ, इतनी भी हालत खराब नहीं हुई है। चलो सब बढ़िया है, सब बढ़िया। छोड़ूंगी नहीं तुझे, याद रखियो। हाँ हाँ देख लूंगी, सब गंदा भी करके चली गई। दीदी देखिए, बिल्कुल भी डर ना हो, बिल्कुल चींटी काटने का भी डर ना हो। ठीक है कर रही हूँ, अब शांति से बैठ जाओ। अरे मैडम, जब आपको दर्द नहीं कराना है तो आप आए क्यों हैं हमारे पार्लर में आईब्रोज बनवाने? थ्रेडिंग करूंगी तो दर्द तो होगा ना, कॉमन सेंस वाली बात है। अब तो मैं आपकी ऐसी शेप बिगाड़ूंगी ना कि कहीं बाहर जाने लायक नहीं रहेंगी आप। क्या बोल रही हैं आप? चुप हो जाइए और आईब्रो बना दीजिए मुझे, वरना बहुत कुछ कर दूंगी। अरे आराम से। अरे मेरी आंखों की कंची नोच ली इसने तो धागे से। अरे मुझे मार डाला मम्मी, अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। थ्रेडिंग भी करवाना है, वो भी करना है। निकल जाओ यहाँ से, जब बनवानी नहीं होती तो आती क्यों हमारे पार्लर में? टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। बताइए मैम, कैसा मेकअप चाहिए आपको? वैसे वो लड़का कितना बदकिस्मत होगा ना, खुशकिस्मत होगा ना। मुझे ना बिल्कुल कटरीना कैफ जैसा मेकअप चाहिए। नो मेकअप मेकअप लुक। पर एक प्रॉब्लम है, वो कह रहा मैं और पार्लर वालों जैसे झूठ नहीं बोलती। देखिए बात बस इतनी है कि मुझे झूठी तसल्ली देनी आती नहीं। कहना क्या चाहती हैं आप? देखिए कटरीना जैसा मेकअप तो मैं कर दूंगी, लेकिन आप कटरीना जैसी दिखती तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही आपको विक्की उठाकर ले जाएगा, तो फिर मेकअप करवाने का क्या मतलब हुआ? आप अपना फेस कट देखिए जरा, कितना चपटा और मोटा फेस है। नाक देखिए कितनी मोटी, इसको पतला भी करूंगा ना तो पतला भी नहीं होगा। टेढ़ी मेढ़ी कहाँ जा रही है पता नहीं, एक पाकिस्तान और एक कजाकिस्तान। ना आपकी आंखें कटरीना जैसी नशीली और ना होंठ आपके रसीले, तो कहाँ से करूँ आपका कटरीना वाला मेकअप? तो दीदी एक काम करो, जो भी मेरे फेस या बॉडी लुक अच्छा लगे वो कर दो, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। हाँ करती हूँ। चलिए मैम अपनी आंखें खोलिए, आपके फेस के अकॉर्डिंग मेकअप हो चुका है। मैंने कर दिया। अरे बेवकूफ इंसान ही तूने, मुझे क्या बना दी शादी में, ऐसे जाऊंगी क्या? मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरे पार्लर के अंदर पांचों छिपकली आ जाएंगी और सारी तेरे ऊपर गिरे। देख लेना तू, छिपकलियों की दुकान हो जाएगी ये। अरे चुप चुप छिपकली, निकल यहाँ से, आई कटरीना कैफ बनने। 500 में से एक छिपकली तो बिना नहीं बैठी। चल जा। हाँ जा रही हूँ, हट यहाँ से तू। ओफो, बालों में तो काफी जुए हैं। वॉश नहीं करती क्या अपने बाल को? ये कितनी लीखे और जुए हैं। सिर्फ बाल लंबे करने से ही सब कुछ नहीं होता, बालों की केयर भी करनी पड़ती है। बड़े नाजों से पाला है मैंने इसको, अगर इसको कुछ हुआ ना तो जान ले लूंगी जान। ज्यादा इसको कट मत करना, इतना सब करना। नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना सा करना। अरे मैम, इस घोड़े की पूंछ को आप लंबे बालों का नाम मत लो, पाप लगेगा पाप। वैसे एक बात तो सच है, आप भी दो मुही और आपके बाल भी दो मुहे। तो इसलिए बोल रही हूँ, कम से कम तो आपको इतना कटवाना पड़ेगा, वरना जितने बाल बचे हैं वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। पर मैं इतने बाल कैसे कटवा लूँ? देखिए सब तो आपको काट के चले ही जाते हैं, तो बाल कटवाने में क्या दिक्कत है? कहना क्या चाहती हैं आप? यही कह रही हूँ कि सब काट देते हैं आपका, पता ही होगा आपको तो। पूरे मोहल्ले में इसकी खबर जो फैली है। रोहन सक्सेना नाम था ना उसका। चुप हो जाइए आप। लो हो गई चुप। ये आएगी कहाँ से मुर्गी, हम तो खुद ही टाइम से पहले। पाप लगेगा पाप, पाप लगेगा पाप, पाप। अरे उस साला तो यहीं पर खत्म होती है हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को भी क्लिक कर देना, जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और आप लोग भी आओ ब्यूटी लॉन्ज यूनिसेक्स सैलून में और अपने आप को पैम्पर करो। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे डिस्काउंट और ऑफर्स चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आओ, देर किस बात की है। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।